टिकटगढ़ सुन रहे हैं आप, और खासी बातचीत चल रही है एक मुलाकात शो में सर के साथ अभी। सर जैसे इतना इन्फॉर्मेशन हो गया ठीक है, बट कुछ लोगों ने पहले सेटअप किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि अभी फ्रेश सब आए होंगे, किसी ने सेटअप किया होगा पहले, तो उनके लिए क्या किया? ये तो चलिए आपने बता दिया फ्रेशर्स के लिए, उनके लिए क्या है? बिल्कुल, उसके लिए जो है हमारे पास उनके लिए भी योजना है। जैसे जिनकी पहले से ही उद्योग चल रहे हैं वो उनको गवर्नमेंट और क्या सुविधाएं दे सकती है। तो जैसे हमारी जो पहली एक सुविधा है तकनीकी उन्नयन योजना, ये है टेक्निकल अपग्रेडेशन। मीन्स जैसे जब उन्होंने उद्योग स्टार्ट किया होगा तो कुछ मशीनरीज लगाई होंगी, 2 3 साल बाद 4 साल बाद उनकी मशीनरी पुरानी हो सकती है, आउटडेटेड हो जाती है, या मशीनरी खराब हो जाती है तो फिर से उनको नई मशीनें लेनी पड़ती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट उनको 50% की सब्सिडी देती है। मीन्स जैसे आपने अगर 5 लाख रुपए की मशीन आपको नया फिर से लेना है तो अब आपको, अब 5 लाख रुपए आप पे करेंगे तो गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी दे देगी। तो अब आपकी जो मशीन की कॉस्ट होगी वो सिर्फ 2.5 लाख रह जाएगी, वो आपको एक तरीके से मशीन की कॉस्ट आपके लिए आधी हो जाएगी। आप मशीन एक तो अपडेट कर सकते हैं, इससे जो पुरानी मशीनों पे आप काम कर रहे थे नई टेक्नोलॉजी की मशीनें ले आ सकते हैं। और इसमें अधिकतम जो है 5 लाख रुपए तक की छूट है सरकार की तरफ से। चाहे जैसे आपने 10 लाख रुपए की मशीन आपको लाना है तो 5 लाख रुपए आपको सरकार असिस्ट कर देगी तत्काल तौर पर। और इसके साथ ही अगर आप पहले से लोन ले चुके हैं, जैसे PMAJP योजना में अगर आपको लोन पहले से ले चुके हैं, 25 लाख उसकी सीमा थी, तो और आपका उद्योग अच्छा चल रहा है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत अच्छी योजना है PMAJP सेकेंड लोन के नाम से चला रही है। PMAJP सेकेंड लोन की क्या खासियत है कि इसमें जो जब पहली बार आप 25 लाख आपको मिला था, इस बार आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये था सेटअप था कि आप 25 लाख से आपने अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी और आप उसको रन किए, 3 साल बाद आपकी इंडस्ट्री हो सकता है कि आपने अपना कार्य और बढ़ा लिया हो, और हो सकता है आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो, उसके एक्सपेंशन के लिए अगर इस बार गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन देगी तो आपकी इंडस्ट्री जो है और अच्छी चलेगी। ये योजना है। अच्छा सर एक सवाल और है, ये जनपद के एक्सपोर्ट, जो जनपद के एक्सपोर्ट के लिए क्या कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे अभी तक तो हम इंडस्ट्री लगवा रहे थे, इंडस्ट्री लग रही थी, लोग उत्पादन कर रहे थे, तो अब उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उत्पादन हो के कहाँ सीमित रह जाएगा हमारे जनपद में ही, कि हमारा जनपद के बाहर भी जाएगा और विदेशों भी एक्सपोर्ट होगा। उसके लिए हमारी स्कीम जो वन एक जनपद एक उत्पाद के तहत बहुत ही बृहद पैमाने पे काम हो रहा है, और ये हमारे जनपद के लिए खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के तहत और हमारे प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल जी के गाइडेंस में हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे आप नाम सुने होंगे फ्लिपकार्ट, इन पोर्टल के साथ हम लोगों का टाइप चल रहा अच्छा। है कि जनपद के विशिष्ट उत्पाद इन पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें और अच्छा। हमारे प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट बेचें। ओके, इनके साथ टाइप हो चुका है और सारी चीजें रनिंग में है। आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन में हमारे जनपद के उद्यमी अपने प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। ओके, और इसके साथ ही अभी पिछले माह हम लोगों ने ऑनलाइन मेला करवाया था, ऑनलाइन एग्जीबिशन। अच्छा, इस एग्जीबिशन की खासियत ये थी कि अपने जनपद के साथ ही साथ अपने प्रदेश और देश के साथ ही साथ विदेशों के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था, और अच्छा। वो ऑनलाइन पोर्टल हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। उस हाँ। पोर्टल पे हमारे जनपद के बहुत सारे उद्यमी जो यहाँ पे हाँ। हमारे टंडा के रहने वाले जी हैं, उन जी लोगों ने अपने प्रोडक्ट को हाँ ऑनलाइन उस पे अपलोड किया जी जी और विदेशों से उनके पास कंसाइनमेंट आई, लोगों ने ऑर्डर किए हाँ घर बैठे, कहीं जी जाने की जरूरत नहीं जी है, जी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। हाँ हाँ पोर्टल पे उद्यमी ने अपना प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को अपने घर बैठे अपने सिस्टम से उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन करा के, और उसने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करके घर बैठे वो सारा सिस्टम बना हुआ था, वो अपने ही से विदेशों के बायर से लोग बात किए और बहुत बायर ने इंटरेस्ट दिखाया कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। हमारे बहुत सारे उद्यमों का कंसाइनमेंट मिला और लोग यहीं से बैठे बैठे एक्सपोर्ट बाहर ले कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार। मतलब मैं थोड़ा सा और डीपली इसको जानना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सही चीज आपने बताई है। मान लीजिए जैसे मैंने किसी चीज का बिजनेस डाला, फॉर एग्जांपल मैंने शूज का डाल दिया। अब मैंने घर में एक सेटअप लगा लिया, मैंने अपना PC रख लिया सारा। अब मुझे गवर्नमेंट पोर्टल पे पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है? मैंने रजिस्टर कर लिया तो वहां से जो साइट होगी, सरकार मुझे एक आईडी पासवर्ड देगी, ठीक है?
उसके बाद उस आईडी पासवर्ड से मैं लॉग इन कर जो मेरा प्रोडक्ट होगा मैं उसको ऑनलाइन अपलोड करूंगा, वो जो ऑनलाइन अपलोड होगा वहां से बायर्स जो होंगे वो मुझे कनेक्ट करेंगे। हाँ, आपको कनेक्ट करेंगे। ओके वो बायर्स आपके नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। ओके और उसमें और भी सारी सुविधाएं, जो बायर्स हैं तमाम तरह के बायर्स भी उसमें पहले से रजिस्टर्ड हैं, वो बायर्स आप उनको पिंग कर सकते हैं, वो आपको पिंग कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपको इतना बढ़िया इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो, कि बिल्कुल आपको लगेगा उसमें कि आप जैसे किसी मॉल में ही घूम रहे हैं। हाँ हाँ इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और आप वहाँ से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बायर से बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, उनसे उनका कांटेक्ट ले सकते हैं, और लेके उनसे जो है अपने प्रोडक्ट उनको सैंपल भेज सकते हैं। एक तो ऑनलाइन भेज सकते हैं सैंपल, अगर उनको सैंपल पसंद आता है तो आप अपने यहाँ से सैंपल भेज सकते हैं फिजिकली, सैंपल जाएगा, सैंपल पसंद आ जाता है उनको तो आप डिलीवरी दे सकते हैं उनको। इस सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल रही है। आई डोंट नो कि कितना इजी गोइंग हुआ ये, लेकिन जैसा आप कह रहे हो रिसीव एंड डिलीवर, ये भी एक बात आती है कि चलिए ठीक है मैंने सारा मेरा बायर से बात हो गई, मैंने अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया, ये जो बीच का है ना मतलब रिसीव और डिलीवर, ये इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई होगा जो आपसे पिक करेगा, या अमेज़ॉन के जैसे डिलीवरी होती है हाँ, या ये ई सारी कार्ट ये टाइप सारी के? व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की हैं उसमें, तो अच्छा हाँ कोई उसमें ऐसा हर्डल नहीं है हाँ हाँ कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, और ये बहुत अच्छा चल रहा है और आगे अभी बहुत आगे जाएगा, इससे एक्सपोर्ट हमारा बहुत बढ़ेगा। अच्छा, ये तो सर इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहे हैं? रेगुलर रेगुलर हम लोग इस समय ऑनलाइन पोर्टल पे कई सारे वेबिनार्स करा रहे हैं, जो भी इच्छुक उद्यमी हैं जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उनका हम लोग लगातार लगभग पर डे नए नए लोगों का तरीके तरीके से उनको वेबिनार्स के माध्यम से उनको एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे आप पोर्टल को रन करना है, कैसे चीज़ों को अपलोड करनी है, मतलब एक से शून्य से लेके उनको शिखर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कि जिसको नहीं चलाना आता है उसको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जा रही है। रेगुलर हमारे कई सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट की वेबसाइट पे, कि वो जो ऑनलाइन उस समय नहीं अटेंड कर पा रहा है वेबिनार, वो बाद में उस मॉड्यूल को देख ले और चीज़ें सीख ले कि कैसे करना है। हमारा टोल फ्री नंबर है ऑडियो पिसेल का, लगातार उससे बात कर रहे हैं, हमारे कई असिस्टेंट बैठे हुए हैं लगातार कॉल पिक करने के लिए, हमेशा उनको हमारी एक EY की टीम, अर्नेस्ट एंड यंग की टीम इसी काम के लिए लगाई गई है, ये एक्सपोर्टर्स को उनके साथ बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने, और उनको अगर किसी भी टाइप की क्वेरी आ रही है, उनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको सिस्टम को रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, बैट से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप के हर चीज़ का उनको असिस्टेंट दिया जा रहा है, हमेशा उनको उनकी किसी तरीके से उनको दिक्कत ना होने पाए। एक और ऐसा सवाल है सर, विशिष्ट हस्तशिल्पी, ये भी एक प्रोग्राम मैंने पढ़ा है, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, जो है ये जैसे हर जनपद की कुछ कुछ विशेषता होती है, जैसे इसके नाम से पता चला विशिष्ट हस्तशिल्पी जो आर्टिजन होते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे आप कुछ लोग आपने देखा होगा कि लकड़ी पे बहुत अच्छी नक्काशी हाँ करते हाँ हाँ जी जी हैं, जैसे सहारनपुर में लकड़ी की बड़ी अच्छी हाँ नक्काशी हाँ होती है, जी कुछ लोग आप कपड़ों पे देखे होंगे जैसे जरी जरदोजी का काम हाँ हाँ होता है, जी जैसे जी लखनऊ में चिकनकारी का काम जी बड़ा अच्छा हाँ होता है, जी तो इसी टाइप के विशिष्ट हस्तशिल्पी कहे जाते हैं जो हाथ से बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे अपने जनपद के में जो हस्तशिल्पी हैं, जैसे जो कपड़े पे बुनाई बहुत अच्छी हाँ हाँ करते हैं, तो इन हस्तशिल्पियों के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है विशिष्ट हस्तशिल्पी पुरस्कार योजना, जो हस्तशिल्पी हैं जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम टाइप की है, कि उनको 2,000 रुपये प्रतिमाह, जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद, कि जैसे 60 वर्ष तक माना जाता है कि आदमी काम करता है ठीक है, जी जी 60 वर्ष के बाद उसने काम किया लेकिन उसकी आंखें कमजोर हो गई, हाथ हाँ कांपने जी लगे, तो अब उसकी जीविकोपार्जन के लिए क्या रास्ता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है विशिष्ट हस्तशिल्पी पुरस्कार योजना चलाती है, कि उनको प्रतिमाह 2,000 रुपये की नियमित प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे वो जी अपना जीवन यापन कर सके। ओके बहुत अच्छी ठीक बात है, है। ये तो मतलब यंग के साथ साथ एक अगर सीनियर सिटीजन का भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने वहां पर भी अपना प्रॉपर एकदम सेटअप कर रखा है कि उनको दिक्कत नहीं हो इस हाँ उनको चीज़ों दिक्कत की, ना क्योंकि हो, बिल्कुल एज अ यंग तो हम लोग एनर्जेटिक होते हैं, हमको मतलब पहाड़ तोड़ दें, बिल्कुल बट कहीं ना कहीं जब एक उम्र ढलती है तो फिर लगता है अब कैसे होगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अच्छा सर, ये उद्यमों की विभिन्न समस्याएं जो होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके निस्तारण के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे क्या है? बिल्कुल, इनके लिए जो है हमारा एक पोर्टल बना हुआ है निवेश मित्र पोर्टल,
जैसे उद्यमों की विभिन्न समस्याएं जैसे आती हैं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, पोल्यूशन की एनओसी नहीं मिल रही है, या वाटर की एनओसी नहीं मिल रही है, या विभिन्न टाइप की समस्याएं इनके पास आती हैं, जैसे ड्रग लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो जिस अगर इनको किसी भी टाइप की समस्या किसी भी उद्यमी को आ रही है, तो वो अपने एक तो संबंधित विभाग से वो उस पर अप्लाई करता है। तो हमारा निवेश मित्र का पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल से वो लिंक है सारे विभागों से, लिंक जितने विभागों से एनओसी चाहिए होती है, तो वो हमारे पोर्टल पे तत्काल दिख जाती है। जिस उद्यमी की जो समस्या है उन समस्याओं को हम लेते हैं, और प्रत्येक माह जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक होती है। उस उद्योग बंधु की बैठक में हम इंडिविजुअल एक एक प्रॉब्लम्स को लेते हैं, और उस विभाग से जिस विभाग की समस्या है, जैसे सपोज कर लीजिए पोल्यूशन की समस्या है, पोल्यूशन की एनओसी नहीं मिल पा रही है, तो उस पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी से हम बात करते हैं कि इनकी समस्या का क्या है, कैसे इसका निदान हो, इसको विद इन टाइम इसको कम्प्लीट कराया जाए। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके उनको विद इन टाइम कनेक्शन दिलाया जाता है। तो एक टाइम बार सिस्टम है, इसमें आदमी उनको अनावश्यक परेशान नहीं कर सकता है कि वो घूम रहा है, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वो पोर्टल पे बिल्कुल सिस्टम है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको काउंटर टाइमर चालू हो गया, अब जो है विद इन टाइम अधिकारी को करना ही करना है, वो आपको भटका नहीं सकता कि नहीं अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जैसे ही वो प्रॉब्लम जो विद इन टाइम जो टाइम सीमा होती है वो समस्या के ऊपर होती है कि किसी की 30 दिन है, किसी की 15 दिन है, किसी की 60 दिन है, तो उस विद इन टाइम ऑफ स्पैन में उसको कम्प्लीट करना है उनको, उसमें नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट समस्याएँ हो जाती हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर ऊपर से अधिकारी को कंट्रोल में करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, तो उनकी समस्याओं को निवेश पोर्टल पे हम लेते हैं और जो बंधु में रख के उनकी समस्याओं का निस्तारण करा देते हैं। जैसे इसी में सवाल है सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जैसे ड्यूरेशन है 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, जो भी ड्यूरेशन है, मान लीजिए मेरी समस्या है कुछ भी, अब जिस अधिकारी के पास मैं गया, मैंने उसको बताया और मैं चक्कर लगा रहा हूँ, मतलब मेरे को 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, और वो अधिकारी कान में तेल डाले बैठा नहीं कर रहा, अब होता क्या है ना सर, प्रॉब्लम्स का ब्लेम हमेशा उसको दिया जाता है जिसकी प्रॉब्लम है, अधिकारी तो अपना पल्ला झाड़ लेता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो मैंने देखा, मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसमें अपर अधिकारी भी क्या करता है, कहीं ना कहीं उसकी गलतियों को हटा देता है कि अरे ठीक है तुम अपने विभाग के हो, उसमें फिर वो आदमी क्या करे जिसकी प्रॉब्लम है, वो तो पिस जाता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन है। आपको आपकी जो समस्या है, आपको एनओसी लेने के लिए आप किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाके अपनी समस्या को आप ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए। अब जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, जब तक आप रजिस्टर नहीं किए हैं तब तक तो आप भटक सकते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही आपने रजिस्टर कर दिया आपका टाइमर चालू हो गया। अच्छा, अब जो है अधिकारी खुद आपसे संपर्क करेगा कि इसको किसी तरीके से उस टाइम में इसको समाप्त कर दिया जाए, समस्या का निस्तारण कर दिया जाए। अगर वो निस्तारण नहीं करेगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अधिकारी की बनती है जो कंसर्न ऑफिसर है कि आपने विद इन टाइम इसका निस्तारण क्यों नहीं किया। हाँ। तो अब उसको उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अच्छा। कि वो कहाँ कहाँ जवाब देगा कि विद इन टाइम क्यों नहीं किया। हाँ। तो वो अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तब तो आप परेशान हो सकते अच्छा। हैं कि आपको जानकारी नहीं है ऑनलाइन करना है कि नहीं करना है, या आप ऐसे भटक रहे हैं रोज अधिकारी के पास जा रहे हैं, वो कहेगा कल आइए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन करिए कहीं जनसेवा केंद्र पे बैठ के। जैसे ही आपने ऑनलाइन कर दिया, समस्याएं आपकी नहीं रहेंगी, अधिकारी की हो गई है, वो कराएगा, वो उसकी रिपोर्टिंग कई जगह से शासन में बैठे लोग देखते हैं कि इनके यहाँ इतनी पेंडेंसी है, मैं बैठे देखता हूँ कि इस विभाग में इतनी पेंडेंसी है। जैसे एक सिंपल से भी एक विभाग की मैं बात करूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए हमारे पास 2 पोर्टल, एक झटपट पोर्टल, एक निवेशमित पोर्टल। ये सर नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम ही इसका इंटरेस्टिंग है, झटपट पोर्टल। जैसे जिसको छोटे हाउस होल्ड, जैसे 20 kVA से जिसको कनेक्शन चाहिए, वो झटपट पोर्टल पे अपना अप्लाई करे, और अब पर डे इसकी समीक्षा होती है कि अच्छा। आपने कनेक्शन, आपके आज डे में 10 कनेक्शन आए, आपने इसका निस्तारण क्यों नहीं किया। अच्छा। तो वो अब उसकी मजबूरी है कि उसको विद इन टाइम उसको निस्तारित करना ही है, क्योंकि आदमी जो चीजें फाइल में है उसको तो मॉडरेट कर सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन चल रहा है उसमें वो बदल नहीं सकता। अच्छा। कि अगर किसी ने आज की डेट पे अप्लाई कर दिया तो आज से उसका टाइमर चालू हो गया। अब उसको अगर 15 दिन में सॉल्व करना ही है तो उसको करना ही करना है, उसको कोई जो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मतलब अगर प्रॉब्लम है तो झटपट अपलोड करो और उधर से अधिकारी ठक ठक आपके पास आ जाएगा, तत्काल तत्काल समस्या का समाधान। अच्छा, एक और थोड़ा सा सर ये जानना चाहेंगे, PMEGP
सेकंड लोन क्या है, ये क्या चीज है? पीएमजीपी सेकंड लोन, अभी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जैसे अगर आप पहले से ही पीएमजीपी योजना में लाभ ले चुके हैं, आपको 25 लाख तक का लोन मिल चुका है, लेकिन आप फिर चाहते हैं कि मैं अपनी यूनिट को और एक्सपेंड करूं, और एक्सपेंशन करने के लिए इस बार आपको 25 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए तक की सुविधा दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और उसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये यूनिट एक्सपेंशन की है कि जो पुराने लोग काम कर रहे हैं पहले से, अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो उसके लिए योजना है। ओके, और क्लस्टर योजना, ये इसका क्या है सर? क्लस्टर योजना ऐसा मतलब मिक्स करके, क्लस्टर मतलब मिक्स करके, इसमें क्या है क्लस्टर? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इस समय इसकी बहुत ज़रूरत भी है लोगों को जानने की क्लस्टर योजना क्या है। जैसे लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, दो लोग, चार लोग, पाँच लोग, जैसे टांडा में ही है अपने वस्त्र उत्पाद का काम चल रहा है, जी जी। तो लोग छोटे 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 लोग पावर लूम का काम कर रहे हैं, लोग हर आदमी कपड़ा बना रहा है, लेकिन हर आदमी के कपड़े में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए। उस क्वालिटी को लाने के लिए जो मशीनों की जरूरत है, वो हो सकता है कि वो करोड़ों की मशीनें हैं। अब इनके पास उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है इंडिविजुअल के पास कि वो 1 करोड़ की मशीन लाके जो नई क्वालिटी का है और रिफाइंड क्वालिटी के कपड़े बना सके। उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है कि जैसे कहते हैं ना कि अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर चने मिल जाए तो भाग तो फोड़ देंगे। इसकी ही सिस्टम है, गवर्नमेंट ने क्लस्टर योजना लिया है जिसमें मिनिमम 20 सदस्य, उसके 20 सदस्य का एक ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम 20 लोगों। वो 20 लोग मिलके क्या करेंगे, जैसे वो एक ही व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। जैसे 20 लोग हैं, 20 यूनिट है लोगों के, कपड़े बना रहे हैं छोटे छोटे, इनको बड़ी मशीन चाहिए लेकिन इनके पास नहीं है, और 20 लोग मिलके भी चाहे तो इतनी इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है वो मशीन या वो टेक्नोलॉजी खरीद सके। जी जी। गवर्नमेंट की स्कीम भी है, स्कीम है क्लस्टर योजना। ये 20 लोग मिलेंगे, 20 लोग मिलके क्लस्टर योजना के लिए अप्लाई करेंगे। 20 लोग जब मिलके अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट इसमें मान लीजिए उनको 5 करोड़ की मशीन चाहिए, तो ये गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए इनको उपलब्ध कराएगी वो मशीन लाने के लिए। इसमें जैसे इसमें 90% गवर्नमेंट का योगदान होता है, 10% सिर्फ उन 20 लोगों का योगदान होगा। जैसे अगर आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए तो 9 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी। अच्छा। सिर्फ 1 करोड़ रुपए इन 20 लोगों को मिलके लगाना है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है और इससे क्या है कि लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपग्रेड कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में टांडा में टांडा टेक्सटाइल एसोसिएशन के नाम से एक क्लस्टर लग चुका है। ये इस क्लस्टर में कई सारी मशीनें जो हैं जो कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छा कर देंगी, उन मशीनों को लगाने की व्यवस्था चल रही है और हमारा क्लस्टर निर्माण जो है इस समय प्रगति पे है और मैं उम्मीद करता हूँ 1 साल के अंदर मेरा वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। 1 साल के अंदर ये क्लस्टर काम करना शुरू कर देगा और बहुत सारे जिले के बहुत लोगों को लाभान्वित करेगा। यानी ये कह सकते हैं अब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। और सर निवेश मित्र क्या है? निवेश मित्र एक पोर्टल है, जैसे जो अभी मैंने बात की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, जैसे उद्यमियों की समस्याएं थी तो समस्याओं को कैसे हम इंटरटेन करें, इसी के लिए निवेश मित्र पोर्टल है कि किसी आदमी को किसी भी चीज की अनुमति चाहिए वो निवेश मित्र पोर्टल पे अप्लाई करे। वो अप्लाई करेगा तो अब उसकी जो है मॉनिटरिंग हम करेंगे, वो जो विभाग है वो विभाग करेगा, वो उसको देखेगा, डिस्पोज करेगा, उच्च अधिकारी भी करेंगे कि किसी की समस्या जो है कहीं फाइलों में दबी न रह जाए। और इन निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा इसकी बैठक उद्योग बंधु में भी की जाएगी कि किसी इंडिविजुअल की क्या समस्या है, इसका निराकरण क्यों नहीं हो पाया, तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ही निवेश मित्र पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है कि जिससे किसी की समस्या हो वो तुरंत पोर्टल पे देखे, अपलोड करे अपनी समस्याएं, रजिस्टर करके और उस समस्या को हम देखें उनका निराकरण कराएं। तो एक तरीके से ये समस्याएं लेने का पोर्टल है कि इससे देख सकें कि किसकी समस्याएं क्या है, कितने टाइम में निदान हो गया उनका, नहीं निदान हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये है कि इससे कोई छुपा के नहीं रख सकता कि कोई अपनी फाइल में दबाए पड़ा है इनकी समस्या और वो आदमी भटक रहा है, ये इसको दूर करने के लिए। स्टैम्प शुल्क
एक और इलेक्ट्रिसिटी छूट, छूट। हाँ ये इसको दूर करने के लिए क्या हो रहा है? ये जैसे कोई आदमी उद्योग लगा रहा है तो उसको गवर्नमेंट जिस जमीन पर लगा रहा है उसको स्टैम्प, जैसे खरीदा जमीन तो जी उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो इस उद्योग लगाने वाले को, उद्यमी को प्रोत्साहित करने के जी लिए जी उसको एक तरीके से ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये भी है कि उसको जितना स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को जमा करेगा और उस पर उद्योग लगाएगा तो विभाग उसको इस पर 60% की स्टैम्प ड्यूटी छूट देगा। सपोज कर लीजिए कि अगर किसी ने जमीन लगाई, उद्योग लगाया बड़े पैमाने पे जी और सपोज कर लीजिए कि 10 लाख रुपए उसका स्टैम्प ड्यूटी आई ठीक है तो वो स्टैम्प ड्यूटी विभाग इसको छूट देगा कि ओके 10 लाख रुपए की उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाएगी। जी ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी छूट मिलती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उद्योग चल रहा है और उद्यमी ने उद्योगों में काफ़ी बिल आता है बिजली बिल, तो बिजली बिल की जो दर होती है उससे उसको भुगतान करना पड़ता है तो उद्यमी पे थोड़ा सा फाइनेंशियल भार पड़ता है। तो इस भार को कम करने के लिए सरकार उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जिसकी जैसी यूनिट है, जिस टाइप से उसकी बिल आई है, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ जी जी हाउस होल्ड के लिए नहीं है, ये हाँ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किसी ने ओके हाँ बिजली उपयोग की है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में छूट दी जाती है। अच्छा वो हाँ वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है। ये हाउस होल्ड के लिए नहीं है, मतलब क्लियरिटी अगर करें तो हाउस होल्ड के लिए ये हाउस होल्ड चीज़ के नहीं लिए है, नहीं है, उद्यमियों के लिए। उद्यमी के लिए। ठीक है। अच्छा सर, ये उद्योग आधार, ये इस पे थोड़ा प्रकाश। उद्योग आधार क्या है? जैसे आप कोई भी अपना उद्यम कर रहे हैं और गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके लिए आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपको सर्टिफाई करता है कि आप इस उद्योग में काम कर रहे हैं और आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी ये यूनिट चल रही है और इस यूनिट में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो इससे आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक हो जाते हैं। इसके बेनिफिट भी हैं, जैसे एक प्रश्न अभी आया हुआ था कि उद्योग विभाग में पंजीकरण करने का क्या क्या जी फायदा जी है, ये जी वही उद्योग आधार है। अच्छा इसी में रजिस्ट्रेशन करके आदमी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बैंकों से लोन लेने में सुविधा होती है, बिजली कनेक्शन मिलने में सुविधा होती है और सरकार की और भी कोई योजना आती है तो पंजीकृत से संपर्क करने में आसान होता है, उनकी योजनाओं का लाभ देने में आसानी मिलती है। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्याज उत्पादन क्या है? हाँ, ब्याज उपादान योजना क्या हाँ है? जैसे उपादान। अगर आपने उद्योग लगाने के लिए कहीं से ऋण लिया हुआ है किसी बैंक से तो गवर्नमेंट की, जैसे हो सकता है कि हमारी योजना में उनको जानकारी ना हो पाई हो कि हमको लोन लेना है लेकिन वो अपने व्यक्तिगत लोन लेके उसने उद्योग लगा लिया है या हमारी किसी स्कीम पे ही लोन लेके उसने उद्योग जी लगा लिया है, जी तो इसके लिए ब्याज उपादान योजना है कि अच्छा जिसमें अगर सपोज कर लीजिए कि 10% अगर बैंक को उसने ब्याज दिया हुआ है तो गवर्नमेंट उसको 7% की सब्सिडी देगी कि ओके मीन्स उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 3% ही रह जाएगा, 7% गवर्नमेंट जी उसको जी छूट देगी। जी तो ये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम है। ओके तो अभी और बहुत सी बातें करेंगे सर से। फिलहाल आप एंजॉय करिए आने वाले महावेट, सुन रही 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर, सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 FM सुन रहे हैं आप, और शो चल रहा है एक मुलाकात। और बातें तो बहुत सारी हो गई और जानकारी तो आप सब लोगों ने ले ही लिया होगा, लेकिन सर समय तो काफ़ी हो ही चला है और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो आप कुछ जैसे अम्बेडकर नगर वासियों को या फिर सभी श्रोताओं को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे वो और आगे बढ़ सकें अपने जीवन में? बिल्कुल मैं जनपद के सभी युवाओं से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि वर्तमान का ऐसा परिदृश्य हो गया है कि सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाह रहे हैं कि सभी लोग सरकारी नौकरी सबको मिल जाए, किंतु ऐसी व्यवस्था है कि सिस्टम में सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ना हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं, न तो सरकार के पास उतने संसाधन हैं कि सारे लोगों को सरकारी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जी इसके रास्ते क्या हो सकते हैं? विकल्प के तौर पे जैसे हर आदमी जब अभी अपनी एजुकेशन लेने के बाद चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, तो चूंकि ये कल्चर ऐसा बन गया है, जबकि विदेशों में अन्य देशों में ऐसा नहीं है जी कि वो सरकारी नौकरी की तरफ लोग कम लोग जाते हैं, वो कल्चर यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। इसलिए एक तो पहले स्किल ऐसी ले आदमी, स्किल लेने के बाद वो खुद का रोजगार कर सके और खुद के रोजगार से उसमें
अपार संभावनाएं होती हैं आदमी को अपना रोजगार बढ़ाने की, अपना विकास करने की और आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। खुद के रोजगार से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप तो एक तो अकेले रोजगार आपको मिलता ही मिलता है, आप 10 अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप अकेले नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई उद्योग चला रहे हैं तो आप अपने अलावा 10-20 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं जी, जिससे आप उस सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की अपेक्षा आप देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान कर रहे हैं जी। तो सभी युवाओं से मेरी यही अपील है कि सरकारी नौकरी ठीक है, इसके साथ ही आप अपनी ऊर्जा को उद्योग में लगाएं, व्यवसाय में लगाएं, जिससे एक तो आपको रोजगार मिले ही मिले आप और रोजगार पैदा कर सकें और आने वाले समय में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि लोग कल्चर ऐसा बदलेगा कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ छोड़ के अब रोजगार की आप स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे। आप विदेशों में देखा होगा आपने सरकारी नौकरी का कल्चर बहुत कम है, और वैसे भी आप किसी भी बड़े उद्यमी का नाम या किसी भी ऐसे आदमी का नाम जिनका भी लेते हैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता। किसी भी आदमी का आप नाम ले लेंगे वो जिनको भी आप जानते हैं कि जो बड़े उद्यमी हैं या बड़े व्यवसायी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो सारे लोगों ने पैसा उद्योग से ही बनाया है, नौकरी करके नहीं बनाया है। तो मेरी युवाओं से अपील है कि आप लोग उद्योग की तरफ बढ़ें, रोजगार लगाने की तरफ बढ़ें जी। और लोगों से, पूरे जनपद वासियों से अपील है कि जैसे किसी के पास कोई भी समस्याएं हैं, लोग समस्याओं लेके सरकारी ऑफिसों में जाने से थोड़ा डरते हैं, लेकिन कल्चर थोड़ा बदल रहा है, आप अपनी समस्याओं को लेके आएं और हर आदमी की समस्या सुनी जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। तो अपने घरों में ना बैठे समस्या लेके, आप समस्या लेके संबंधित अधिकारी के पास पहुंचे, आपकी समस्याओं का 100% निदान कराया जाएगा जी। और महिलाओं से मेरी विशेष अपील ये है कि महिलाएं, जो पहले का कल्चर था कि महिलाओं को गृहिणी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है और जरूरत भी है, क्योंकि एक आधी आबादी मैं इसलिए कह रहा हूँ, भले संख्या थोड़ी कभी पुरुषों की अपेक्षा कम है, फिर भी उनका नेतृत्व तो आधा ही है। अगर आधा संसार में आधे पुरुष हैं तो आधे महिलाएं हैं, बिना महिलाओं के संसार नहीं है। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था आधे लोगों के काम करने पर ही टिकी होगी तो देश का विकास आधा हो जाएगा जी। तो अगर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ें और पुरुषों के साथ महिलाएं भी काम करें तो विकास, देश का विकास, खुद का विकास, जनपद का विकास दुगनी गति से होगा जी, जी। इसलिए महिलाएं पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की तरफ भी आगे बढ़ें। सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी धारणा थी कि महिलाएं गृहिणी का काम करें, तो ये धारणा बदलने की जरूरत है। महिलाएं आगे आएं और महिलाएं भी रोजगार करें और गवर्नमेंट भी पुरुषों की अपेक्षा हर जगह पे महिलाओं को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर है। चाहे किसी गवर्नमेंट स्कीम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हमेशा लाभ ज़्यादा है जी। जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, अगर सब्सिडी की बात होती है तो अगर पुरुष को 25% है तो महिला को 35% है जी, जी। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिलाएं आगे आएं जी। और जब जब देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपने जनपद को आगे बढ़ाना है, तो इस आधी आबादी को आगे आना पड़ेगा, तभी देश का हित होगा और जनपद का हित होगा और जो आगे बढ़ेगा उसका व्यक्तिगत हित भी होगा। और अंत में, चूंकि कोरोना का दौर है, तो मेरे सभी लोगों से यही अपील है कि कोरोना से बचते हुए हमेशा मास्क का प्रयोग करें और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। और आने वाले समय में ठंडियां आने वाली हैं, तो अभी थोड़ा सा कोरोना का दौर कम पड़ गया था, लोग थोड़ा इसको ईजिली लेने लगे थे कि कोरोना चला गया है, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में आपको देखने को मिलेगा कि कोरोना एक बार फिर धीरे धीरे से अपने पांव पसार रहा है। तो यही समय थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होने का है, ज़्यादा सावधान होने का समय है। इस समय अगर आप सावधान रहते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचाव की ज़रूरत है। और जैसा हम हमेशा सुन रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक हिलाई नहीं। और 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब इन्हीं बातों और विचारों के साथ आप सभी लोगों से अलविदा कहना चाहेंगे सर।